मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। आज ही बड़ा इंटरेस्ट टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आया हूं। थोड़ा सा आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट। आज हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। आज आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आपको प्रेसिडेंट से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम आएगा, आपसे गलती कभी नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम प्रेसिडेंट पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए आप अभी काफी सारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आप प्रेसिडेंट से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कैसे आसानी सॉल्व कर लेंगे, आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा की गई है, आपको ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक से प्रेसिडेंट से जितने भी रिलेटेड आर्टिकल हैं आपको आसानी से याद हो जाएगा, आपको घर पे जाके पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आपको एक ऐसा ट्रिक देते हैं, आज ट्रिक याद कर लीजिए राष्ट्रपति के बारे में। मैं लिखता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। पकानी, कोका, दियोदशम। पकानी, कोका, दियोदशम, ये ऐसा ट्रिक है जिसके सहायता से, देखिए ये केवल ऐसे एग्जाम के लिए जो बच्चे वनडे का एग्जाम देते हैं। अगर आप थोड़ा सा पीसीएस या हाई लेवल एग्जाम देते हैं यूपीएससी टाइप पे, उसमें आपको आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा, उसमें आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस चीज को पहले ही बता दे रहा हूँ, उसमें आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजों को आप समझते और चीजों को रिलेट करते रहिए उस चीजों के बारे में। लेकिन आप जितने भी वनडे एग्जाम देते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पकानी, कोका, दियोदशम। आपके पीसी से पूछा जाता है, काफी फैट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां भी आपको एडवांटेज मिलेगा। तो देखिए पकानी, कोका, दियोदशम, इसका क्या मतलब है? जो राष्ट्रपति का आर्टिकल स्टार्ट होता है बेटा, वो होता है स्टार्ट 52 से। आप जानते हैं हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव की हम लोग बात करते हैं। ये आपका स्टार्ट होता है कहां से बच्चा? आर्टिकल 52 से, और ये जाता है आर्टिकल 151 तक, ठीक है, 151 तक जाता है, ठीक। तो क्या लिखा है? पकानी, कोका, दियोदशम, इसका क्या मतलब आपको समझाता हूं। देखिए ये यहां से 52 आर्टिकल, ये 53, ये 54, ये 55, ये 56, 57, 58, 59, 60, 61। अब पा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद की चर्चा किस में है? आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति के पद की चर्चा आर्टिकल 52 में है। तो क्या लिखा मैंने कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा किस में? पद की किस में है? 52 में है। राष्ट्रपति के पद कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन की महारानी का जो पद है वही पद राष्ट्रपति के पद है, उसी के समान होता है, ठीक है, उसी के समान ही होता है। तो ये यूके से लिया गया है, ठीक। ये आर्टिकल 52 याद हुआ आपको। देखिए घर जाके पढ़ने की जरूरत न पड़े, इस प्रकार आप याद करिएगा। चलिए प का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान। राष्ट्रपति क्या होगा? कार्यपालिका का प्रधान होगा। किसका? कार्यपालिका का प्रधान। कैसा प्रधान? नॉमिनल, मतलब कि जो आपका राष्ट्रपति होगा वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा, नाम मात्र का होगा, केवल नाम मात्र का प्रधान होगा कार्यपालिका का। रियल प्रधान कौन होगा? रियल एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री होगा। ध्यान दीजिएगा क्या? राष्ट्रपति कार्यपालिका का, ठीक है। जो बच्चे हिंदी से अंग्रेजी से दोनों देख सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, कोई समस्या नहीं आएगी। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन करते हैं उनको भी कोई समस्या नहीं, हिंदी वाले तो मालूम मजा करेंगे ही। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान, इसका क्या मतलब बच्चे? इसका मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन कैसा चीफ एग्जीक्यूटिव? नॉमिनल, केवल नाम मात्र का। जैसे देखते नहीं, कोई भी बिल पास होता है तो राष्ट्रपति के पास केवल साइन के लिए जाता है, नाम मात्र का, कि आप साइन कर देंगे बिल पास हो जाएगा। किसी भी चीज की, किसी को शपथ दिलाना हो कि नाम मात्र का। मेन एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रधानमंत्री साहब होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि किसी भी बिल को पास करना हुआ, देखिए राष्ट्रपति की कुछ पावर है, जब वीटो पावर के बारे में बात करेंगे आगे, कहीं बात करेंगे हम लोग, तो जब वीटो पावर के बारे में बात करेंगे तो वहां आप समझें कि कौन कौन सा वीटो पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है, प्राप्त है, ठीक है। तो वहां आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रपति को कुछ केस में थोड़ा सा विशेषाधिकार दिया गया है, डिस्क्रिशन पावर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ राष्ट्रपति 53 में? क्या बच्चे? कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा, केवल नाम मात्र का, हस्ताक्षर करने का काम या किसी को शपथ दिलाना हो, यही सब काम राष्ट्रपति का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54
54 निर्वाचन की बात है। निर्वाचन बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं निर्वाचन में, शायद अगर ये लेक्चर पूरा ना कंप्लीट हो पाए राष्ट्रपति का इस वीडियो में, क्योंकि निर्वाचन समझाने में आपको टाइम लग जाएगा, निर्वाचन आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। निर्वाचन आज आपको समझाऊंगा तो आपको कभी राष्ट्रपति का निर्वाचन भूलेगा नहीं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम पर्टिकुलर निर्वाचन की बात करते हैं, हम लोग निर्वाचन की बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। पकानी कोका दियो दोसन, दिमाग से नहीं जाना चाहिए, चीजों को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं और आपको आर्टिकल भी याद करवा दे रहा हूं कि आप आर्टिकल भूलेंगे नहीं कभी। चलिए आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में किसकी चर्चा है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कि राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चीज पॉइंट नोट करते रहिए, सबसे पहले चीज राष्ट्रपति का चुनाव कौन? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ही कराएगा। कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग। हिंदी वाले बच्चे भी लिखते रहे, चुनाव आयोग, आप लोग नोट करते रहिए। आपके कंपटीशन जो भी आप वनडे एग्जाम देते हैं अगर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। बच्चों जो भी बच्चे आप वनडे एग्जाम देते होंगे उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो पीसी सुजीत एग्जाम देते हैं, एमपी पीसी, यूपी पीसी, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक। थोड़ा सा यूपीएससी का जो सिलेबस, आईएएस ओएएस का जो भी उसी यूपीएससी एग्जाम कराती है, आईएएस का एग्जाम, उसमें क्या है ना, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर रहेगा तो आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब चुनाव आयोग की चर्चा 324 में है, ये सब चीजें बाद में बात करेंगे। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की चर्चा है। तो मैंने क्या बताया कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। कैसे होता है चुनाव? इसके लिए चुनाव मतलब कि इसके लिए एक इलेक्टोरल कमेटी बनाई जाती है, चुनाव मंडल बनाया जाता है, इलेक्टोरल कमेटी। क्या बनाई जाती है? इलेक्टोरल, इलेक्टोरल कमेटी बनाई जाती है कि इसमें इलेक्टोरल कमेटी कौन लोग होते हैं, कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। एक एक स्टेप को समझते चलिएगा, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें कौन कौन, ये जो इलेक्टोरल कमेटी बनती है, चुनाव मंडल, इसको हिंदी में शायद चुनाव मंडल ही कहते हैं, शायद इलेक्टोरल कमेटी, हिंदी देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो इलेक्टोरल कमेटी में इसमें कौन कौन भाग लेगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन भाग लेगा? ये आपका संसद है, क्या है? ये आपका पार्लियामेंट है, संसद। इस संसद में कौन कौन रहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपको याद करा रहा हूं, कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा राज्यसभा के जितने भी कौन निर्वाचित सदस्य हैं, कौन निर्वाचित, इस तरह पे ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर, जितने भी इलेक्टेड मेंबर है, किसके इलेक्टेड मेंबर? लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं। आप जानते हैं कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड भी होते हैं, दो एंग्लो इंडियन होते हैं और 12 जो राष्ट्रपति नॉमिनेट किए रहते हैं, दोनों को नॉमिनेट करते हैं, एंग्लो इंडियन को भी, और 12 जो नॉमिनेटेड रहते हैं किसी खेल के क्षेत्र में या लिटरेचर के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, जिसका योगदान होता है राष्ट्रपति, उन्हें 12 लोग को ऐसे नॉमिनेट करते हैं। आप देखते हैं कि रेखा जी को, सचिन तेंदुलकर जी को, इन लोग को राज्यसभा सांसद बनाया गया है, क्योंकि इन लोग का स्पोर्ट के क्षेत्र में या एक्टिंग के क्षेत्र में अच्छा योगदान है। तो समझ में आया कि इलेक्टोरल कमेटी में कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और कौन भाग लेगा? जहां हम लोग विधानमंडल की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, उसमें कौन कौन रहता है? उसमें विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद होता है। किसमें? विधानमंडल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक होते हैं, ठीक है। समझ में आया कि विधानमंडल में विधान परिषद, विधान परिषद होता है, लेकिन पार्टिसिपेट कौन करता है? पार्टिसिपेट केवल विधानसभा के सदस्य करते हैं, और विधानसभा के सदस्य इलेक्टेड होते ही हैं, ठीक है। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, कौन बच्चा? इलेक्टेड मेंबर। और कौन? विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, विधानसभा के,
समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को तो कोई समझ में दिक्कत हो बताइएगा। इलेक्टेड मेंबर, लेकिन इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेगा। क्यों भाग नहीं लेगा आप सोचिएगा, कोई बच्चा कमेंट के माध्यम से बताए कि क्यों विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। क्योंकि बच्चा हमारे देश में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं? 6 ही राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 6 ऐसे राज्य हैं विधान परिषद है। तो अगर विधान परिषद भी भाग लेगा तो एक प्रकार के नॉन यूनिफॉर्म चीजें हो जाएंगी। एक मतलब कि हर राज्य का जो योगदान है उसमें असमानता आ जाएगी, नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। इसलिए बेटा इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। जब पूरे राज्य में विधान परिषद जिस दिन हो जाएगा तब हम लोग, तब विधान परिषद के सदस्य भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विधान किसी भी राज्य में, चलिए आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, किसी भी स्टेट में विधान परिषद लाने के लिए क्या प्रस्ताव है, क्या प्रोसीजर है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा जिस बच्चे को पता होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि इलेक्शन कमेटी में, इलेक्टोरल कमेटी में कौन कौन लोग भाग लेंगे? लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, बस यही तीन ही सदन के लोग भाग लेंगे। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली में ये विधानसभा के भाग लेंगे, विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेगा। और इसमें जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं, राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो नॉमिनेटेड भाग नहीं लेंगे। समझ में आया? कोई पूछेगा कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, आप लोग बता लेंगे, समस्या तो नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़े। देखिए आज राष्ट्रपति का निर्वाचन क्लियर हो जाना चाहिए काफी, ताकि कभी भी निर्वाचन से कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग आसानी से उसको हैंडल कर सके। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमें बात करना है क्या कि कैसे इनका चुनाव होता है, क्या प्रोसेस है। आप लोग पढ़े होंगे बुकों में कि एक टर्म लिखा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल प्रिफरेबियल वोट, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। ये क्या होता है? बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग तैयारी करते हैं क्यों रट लेते हैं, लेकिन मैं इसको आपको समझाता हूं कि क्या होता है, ये टर्म क्या है। समझिएगा क्या लिख रहा हूं, ये जो इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है ना, डायरेक्ट होता नहीं कि कोई पीपल मतलब कि हमारे देश की जनता पार्टिसिपेट करे, ये तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो क्या चुनाव का प्रोसेस है? देखिए हम लोग जो चुनाव करते हैं वो बैलेट सिस्टम होता है, क्योंकि हम लोग सिंगल वोट देते हैं कि किसी को वोट देना हुआ हम दे सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव है ना बेटा वो प्रिफरेबल में होता है, आपको सबको वोट देना पड़ता है। कैसे मैं समझा रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो मेथड है क्या सिंगल ट्रांसफरेबल प्रिफरेबल वोट, प्रिफरेबल वोट, ये क्या चीज है ध्यान दीजिएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रिफरेबल वोट क्या होता है, इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। हिंदी में लिख देता हूँ, जो बच्चे बेचारे हिंदी वालों का यार वो हर जगह पीटे जाते हैं हिंदी वाले, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। हिंदी जो अपनी मातृभाषा है, जो बच्चा मजा हिंदी में हो अंग्रेजी में नहीं है, तो इसलिए हिंदी वाले बच्चे ध्यान सुने, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली। मैं थोड़ा इसको इसलिए आज बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें। आनुपातिक प्रणाली, कोई आपसे पूछे तो आप लोगों को अच्छे समझा सकें कि क्या प्रोसेस, वाकई में क्या प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ प्रिफरेबल वोट का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए बेटा राष्ट्रपति के चुनाव में 4 लोग खड़े हुए, PQRS, ठीक, हमको आप हमको वोट कौन वोट दे रहा है, हमको नहीं, जो भी मैंने बताया कि लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही वोट देते हैं, तो उनको वोट देना है। वोट कैसे देते हैं ध्यान सुनिएगा, चीजों को समझते रहिएगा, वोट कैसे देते हैं। मान लीजिए आया फर्स्ट मेंबर कोई, वो कैसे वोट देगा, वो ऐसे नहीं वोट देगा कि भैया चलो पी को वोट दे दिए, पी को वोट दे दिए, पी जी, ऐसे नहीं वोट देगा वो बेटा, प्रिफरेबल वोट देता है। प्रिफरेबल माने कि प्रिफरेंस के आधार पे, प्रिफरेबल माने प्रिफरेंस, प्रायोरिटी के आधार पर वोट देता है। जैसे मान लो फर्स्ट जो आया
जो मतलब कि जो वोट देने आया जो भी सदस्य, वो मान लो क्यू को पहली प्रायोरिटी दे दिया, पी को दूसरी प्रायोरिटी दे दिया, यस को तीसरी प्रायोरिटी दे दिया, आर को चौथी प्रायोरिटी दे दिया, ठीक है। ये प्रिफ्रेंस मतलब कि प्रायोरिटी के आधार पर दिए, पहला इनको प्रायोरिटी दिए क्यू को, दूसरी बार पी को प्रेफरेंस दिए, इसके बाद यस को, इसके बाद आर को। ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा क्यू को मानते हैं। जैसे वो तरह पूछता नहीं आता कि आपके घरों में आप किसको ज्यादा मानते हैं, मम्मी को मानते हैं, पापा को मानते हैं या अपने दादा दादी को, तो आप प्रेफरेंस बताते हैं। नहीं, हम मम्मी को सबसे पहला, मम्मी को पहली प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस पापा को, तीसरा दादा को, चौथा दादी को, जैसे भी आप लोग का जैसा भी हो, ठीक है। तो ये आपका मानना है, आप पापा को माने, मम्मी को मानते, सबको हैं, किसी को ये नहीं कहेंगे नहीं मानते, लेकिन आप प्रेफरेंस देते हैं। इसी प्रकार आपके लाइफ में भी प्रायोरिटी होगी कि आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो ठीक है। तो उसी प्रकार के कांसेप्ट पे चलिए, सेकंड मेंबर आया, सेकंड सदस्य आया, वो भी वोट दिया, वो क्या किया, पी को वन दे दिया, क्यू को सेकंड पोजीशन पर रख दिया, आर को थर्ड पोजीशन पर रख दिया और यस को फोर्थ पोजीशन पर रख दिया। इसी प्रकार आपका थर्ड मेंबर आएगा, वो क्या करेगा, वो भी बच्चा पी को वन पे ही रखा, क्यू को टू पे रखा, आर को फोर पे रख दिया और यस को थ्री पे रख दिया, ठीक है। मैच तो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई मैच नहीं कर रहा है। इसी प्रकार फोर्थ आया, फोर्थ जब आया तो क्या हुआ, वो पी को वन दिया, क्यू को फोर्थ पोजीशन दे दिया, आर को थर्ड दे दिया, यस को सेकंड दे दिया। मान लीजिए ऐसे वोट पड़े, अब क्या होगा, जब वोट गिनाएगा पहले चरण में जब इसकी गिनती होगी कैसे होगी, समझ रहे हैं प्रिफरेबल का क्या मतलब, वो समझ में आई, इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रिफरेबल का क्या मतलब है, कि प्रिफरेंस, आप किसको प्रिफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, आप मान लीजिए वोट की गिनती जब फर्स्ट ऑर्डर में पहले चरण में जब वोट की गिनती होगी कैसे होगी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिया जाएगा कि एक प्रायोरिटी पाने वाले कितने लोग हैं, सबसे ज्यादा एक प्रायोरिटी कौन पाया है, तो आप गिनिए सबसे ज्यादा कौन पाया है, पी पाया है, तो पी, और पी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कितना पाया है, तीन, पहली प्रेफरेंस पी के कितनी है, तीन है, और क्यू, क्यू तो भैया दो ही पाया है, अरे यार पहली प्रेफरेंस क्यू को कितना मिला है, एक मिला है, देखिए एक ही बार तो पाया है, चलिए ये एक हो गया, और आर कितना पाया है, आर तो जीरो पाया है, यस जीरो पाया है। इसका मतलब पहले ही चरण में हमें पता चल गया कि कौन जीत गया, तो आप देख रहे हैं पी को पहली प्रायोरिटी, पहला प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मिला है, तो पी उम्मीदवार चुनाव जीत गया प्रेसिडेंट का। अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, जो भी उम्मीदवार जीते हैं वो पहले ही चरण में फर्स्ट ऑर्डर में ही जीत गए हैं। केवल एक प्रेसिडेंट ऐसे हैं, नोट कर लीजिएगा, केवल एक प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनके लिए दोबारा सेकंड चरण का चुनाव लेने की आवश्यकता पड़ी, उनका नाम है वीवी गिरी। आप लोग नोट कर लीजिएगा, केवल एक राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके लिए दोबारा हमें वोट करने की जरूरत पड़ी, उनका नाम क्या है, वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी के बारे में आप लोग देखिएगा। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, इनकी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जब उपराष्ट्रपति के पद पे थे ना, तो ये क्या किए कि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिए। इसके बाद इनको कार्यवाहक, पहले तो क्या हुआ ना, एक फखरुद्दीन अली राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन, जब फखरुद्दीन राष्ट्रपति के दौरान मर गए तो उस समय उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, ठीक है, तो वीवी गिरी तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिए गए फखरुद्दीन के मरने के बाद। लेकिन जब वीवी गिरी आए राष्ट्रपति बनने, उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने, तो वो चुनाव में भी खड़े हो गए, क्योंकि छह महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है ना, तो वो चुनाव में खड़े हो गए और उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिए। इनको ये नहीं पता था कि आप उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया। लेकिन ये थी इनकी नसीब, अच्छा था इनका कि ये चुनाव जीत भी गए राष्ट्रपति के। थोड़ा वीवी के बारे में, गिरी के बारे में गूगल पर सर्च करके पढ़िएगा, ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे क्या प्रोसेस है। अब बच्चा सिंगल ट्रांसफरेबल का क्या मतलब है, इसका भी मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए एक ऐसा केस बन जाए कि पी और क्यू को वन प्रिफरेंस और वन प्रिफरेंस बराबर मिल जाए, अगर पी और क्यू को वन प्रिफरेंस बराबर मिल जाए तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर में जाएंगे, तो सेकंड में जो आर और यस का वोट है,
जैसे मान लीजिए पी को एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, पी को बेटा फर्स्ट प्रेफरेंस 3 मिला है और क्यू को भी 3 मिल गया और आर को फर्स्ट प्रेफरेंस 2 मिला और एस को फर्स्ट प्रेफरेंस 1 ही मिला है। तो जो बेटा इनका 2 वाला है और ये 1 वाला है जो भी है ये इनके वाले में आके जुड़ जाएगा। इसी प्रकार ये जो सेकंड प्रेफरेंस पाए हैं तो आगे आगे जैसे इनका पी और क्यू का हम जिस ऑर्डर में जाते रहेंगे उसमें हम लोग इनका वाला जो वोट मिला हो, जैसे मान लीजिए सेकंड प्रेफरेंस के लिए गए पी क्यू क्यू का गिनने, तो जो सेकंड वाला वोट आर और एस पाए होंगे इन दोनों के बीच बढ़ जाएगा, उसी को कहते हैं ट्रांसफर हो जाएगा, उसी को कहते हैं क्या, सिंगल ट्रांसफरेबल। समझ में आया, एकल संक्रमणी। तो हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत होगी कि कैसे चुनाव कराते हैं। समझ में आया बच्चा, तो ये सब चीजों को आप ये कैसे क्या तरीका है चुनाव कराने का प्रेसिडेंट का, हम अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे कभी, ठीक है, कि कैसे हम लोग एमएलए की वैल्यू निकालते हैं, कैसे हम लोग एमएलए की वैल्यू निकालते हैं उसको आपको हम बताएंगे, इसके बाद कैसे हम एमपी की वैल्यू निकालते हैं, और इसके बाद पकानी कोका दियो दशम को नोट कर लो भैया, पकानी कोका दियो दशम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया। अब देखो अभी आगे हम और बात करेंगे, लेकिन आपको पकानी कोका दियो दशम का जादू बता देता हूँ कि कैसे आप लोग रटते हैं पकानी, क्योंकि चुनाव कांसेप्ट आपका चुनाव बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं चुनाव में कि चुनाव क्या तरीका है। अभी मैं जो इम्पीचमेंट पढ़ाऊंगा महाभियोग उसमें कौन कौन भाग लेता है वो भी बताऊंगा। समझ में आया, पकानी कोका दियो दशम देख लीजिए कि क्या क्या इसमें बातें की गई है, पकानी कोका दियो दशम में मैंने बताया क्या, ये 52, ये 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक है। अब देखिए इसमें किसकी चर्चा, राष्ट्रपति के पद की चर्चा, इसमें कार्यपालिका का पद का मतलब कार्यपालिका का प्रधान लिख देता हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, कार्यपालिका का प्रधान। नी 54 में क्या, निर्वाचन। को कितना कोटा, राष्ट्रपति को जीतने के लिए कम से कम कितना वोट चाहिए, राष्ट्रपति को जीतने के लिए कम से कम कितना वोट चाहिए, कोटा के बारे में बात करेंगे आगे। कहाँ क्या है, कार्यकाल किसमें है, 56 में, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में। दी क्या है, 57 में क्या है, दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन कैसे होगा, री इलेक्टेड कैसे होंगे योग्य। 58 में क्या है, यो क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उनकी योग्यता है, ठीक है। और द क्या है, क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या हैं, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये सब कंडीशन है, जब बताऊंगा ना याद आ जाएगा, रट जाओगे। स क्या है, 60 में क्या है, शपथ, आर्टिकल 60 में शपथ। मैं महाभियोग क्या कर रहे हैं, महाभियोग कैसे लगाएंगे, इम्पीचमेंट किसमें है, 61 में है, रट गया नहीं, राष्ट्रपति का खत्म, पकानी कोका दियो दशम, राष्ट्रपति खत्म। लेकिन एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको अगले वीडियो में और चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, मैंने निर्वाचन तक बता दिया है, क्या कोटा है, क्या कैसे कार्यकाल है, इन चीजों को बहुत ही एक्सप्लेन अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आप किसी भी चीज का एग्जाम देंगे, चाहे पीसीएस लेवल तक की कोई भी एग्जाम हो आप निकालेंगे, गारंटी है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कभी मिलेंगे, कभी मौका मिलेगा, मुझे टाइम मिलेगा तो आप लोगों के सामने हम आते रहेंगे, जरूरी नहीं डेली आए लेकिन आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच। Thank you.